तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में मैं बताऊंगा महेंद्र सिंह धोनी के बारे में, जो इस आईपीएल में दो नए रिकॉर्ड्स बना सकते हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा देखो, लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएँ। दोस्तों आईपीएल 2019 में एमएस धोनी ने अपने टीम चेन्नई सुपर किंग्स को तीसरी बार चैंपियन बना दिया था और आईपीएल 2019 में धोनी के पास दो नए रिकॉर्ड्स बनाने का भी मौका है। दोस्तों पहला रिकॉर्ड है 200 छक्के आईपीएल में लगाने का। दोस्तों एमएस धोनी ने आईपीएल की हिस्ट्री में 186 छक्के मारे हैं और उनको सिर्फ 14 छक्के चाहिए पहले इंडियन प्लेयर 200 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बनने के लिए। पर दोस्तों इस लिस्ट में टॉप पे हैं क्रिस गेल 292 छक्के के साथ और धोनी के पास मौका है 14 छक्के और मारकर पहले भारतीय बल्लेबाज बनने के लिए। पर इस लिस्ट में अभी रोहित शर्मा 184 छक्के और सुरेश रैना 185 छक्के के साथ कॉम्पिटिशन में हैं। तो अब देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि कौन पहले 200 छक्के मारता है। पर दोस्तों मेरे ख्याल से एमएस धोनी पहले करेंगे 200 छक्के। दोस्तों धोनी को 14, रैना को 15 और रोहित को 16 छक्के चाहिए आईपीएल में पहले 206 लगाने वाले इंडियन प्लेयर बनने के लिए और मेरे ख्याल से ये एमएस धोनी पूरा करेंगे। दोस्तों दूसरा रिकॉर्ड है 100 विन एज अ कीपर। एमएस धोनी इस बार के आईपीएल में अपना 100वां मैच कप्तान के रूप में जीत सकते हैं। धोनी ने अभी तक 94 मैच जीते हैं अपनी कप्तानी में और 100 मैच जीत से सिर्फ 6 मैच दूर हैं और इस आईपीएल में धोनी 6 मैच जीतते ही वो पहले कप्तान बन जाएंगे आईपीएल हिस्ट्री में 100 मैच जीतने वाले और ये बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम भी कर सकते हैं। तो अब ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि एमएस धोनी कौन कौन सा रिकॉर्ड अपने नाम करेंगे आईपीएल 2019 में। तो दोस्तों तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और इसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएँ।